के मौजपुर इलाके में कल एक सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक से धस गया और उसकी चपेट में एक कार, ऑटो और बाइक आ गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, क्योंकि सड़क बहुत अंदर तक धस गई थी और इसके पीछे जो वजह सामने आई है वो है जल बोर्ड की लापरवाही। तो आखिर ये सब कैसे हुआ, हमारे साथ इस वक्त जल बोर्ड के मेंबर जयप्रकाश जी हैं, बीजेपी नेता भी हैं। जयप्रकाश जी, किस तरह की घटना हुई, आपने अधिकारियों से पूछा, क्या कुछ डिटेल थी, क्या वजह था उसके पीछे? मौजपुर के अंदर एक मेन लाइन जो लगभग 1200 mm डाई की है, जिससे सबको पानी सप्लाई होता है, बहुत पुरानी लाइन है, वो अचानक फट गई। उसके फटने से लगभग 30x60 का वो गड्ढा हो गया, सड़क धस गई और उसके पास दो, एक थ्री व्हीलर था, एक फॉर्चुनर गाड़ी थी, तीन चार मोटरसाइकिल थी, वो भी उसके अंदर धस गई। तीन चार लोग थे, उनकी जान बच गई। दिल्ली का सौभाग्य है उन लोगों का जिनकी जान बची, और दुर्भाग्य है दिल्ली जल बोर्ड का कि हमारे को एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिनको दिल्ली सरकार में कुछ काम नहीं करना, सिर्फ जल बोर्ड चलाना है। लेकिन दिल्ली में बोर्ड की मीटिंग के अंदर हमने कई बार ये सवाल उठाया है कि जितनी पुरानी लाइनें हैं उन लाइनों को रिप्लेस करना चाहिए, उन लाइनों को बदलना चाहिए, क्यों नहीं बदली जा रही, जब लोगों की जान चली जाएगी जब बदलेंगे क्या? लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री मौन है।